What's up YouTube, welcome back to our channel। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर। और दोस्तों, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं ये नज़ारा, ये है अर्ली मॉर्निंग का सनराइज का नज़ारा और इसके मज़े हम लेने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, आज का जो एजेंडा है उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कहीं पे घूमने के लिए टू हैव अ ग्रेट टाइम इन लाइफ यू डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर जाना है, 500,000 किलोमीटर दूर जाना है तब आपको मज़े ले पाएंगे आप, तब आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप पास की जगह पे भी जा सकते हैं, बस आपके साथ एक प्यार करने वाला आपका परिवार होना चाहिए और आपका मन होना चाहिए। सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आपका मन होना चाहिए। तो बस यहीं पे पास में वडोदरा से हार्डली मतलब अंडर 100 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर दूर ही ये जगह है जहाँ पे मैं आपको आज लेके चलने वाला हूँ और अपनी नज़रों से दिखाने वाला हूँ हमारा गुजरात, और लोग इसे जन्नत भी कहते हैं। तो लेट्स सी, चलते हैं रास्ते में और आपको करवाते हैं मज़े। तो बने रहिएगा वीडियो में, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आई एम प्रिटी श्योर यू विल लव दिस प्लेस। कहते हैं ना, जब रास्ते बहुत खूबसूरत हो तो मंजिल अपने आप खूबसूरत हो जाती है। ऐसे ही एक खूबसूरत मंजिल की ओर हम पहुंच चुके हैं जिसे मैं अपनी नज़रों से आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसे कहते हैं खंबात का जन्नत और इसका नाम है नेजा। तो आइए, चलो मैं आपको ले चलता हूँ अपने साथ इस जन्नत की सैर कराने। आगे एक हल्की सी मिनी नदी के साथ, फिर यू नो आप लोगों के लिए आपको दिखाने के लिए जगह ढूंढी और फिर यहाँ आए। ये जो पीछे पोर्शन है ये आगे कम से कम 2 या 3 किलोमीटर आगे यहाँ पे समुद्र होगा। और कहते हैं कि ये जो गल्फ ऑफ खंबात है इसका जो डिस्टेंस है, लेंथ, इट इज़ अराउंड 200 किलोमीटर्स, और जो इसका जो विड्थ है वो 20 किलोमीटर्स है। और यहाँ के जो हाई टाइड्स हैं दे आर वेरी नोटोरियस गाइस। जो हाई टाइड्स है दे राइज एज हाई एज 30 फीट। इमेजिन मैन, 30 फीट। तो यहाँ बस ये दिखाने के लिए मैं आपको लेके आया था। हवा इतनी अच्छी चल रही है और इतनी शांति है ना, और मेढकों की टर टर करके आवाज़ आ रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है यार, उसका भी अपना अलग। तो यहाँ पे आए हुए थे और
और यहाँ पे गल्फ ऑफ बंगाल में यू नो तीन नदियाँ मिलती है, नर्मदा, तापी और महीसागर। ये तीनों नदियाँ यहाँ पे मिलके गल्फ ऑफ खंबात बनाती है, मतलब यहाँ कॉन्फ्लुएंस है उन तीनों रिवर्स का। तो ये था गल्फ ऑफ खंबात के बारे में, और यहाँ से थोड़े बहुत शॉर्ट्स लेंगे, थोड़े इंस्टाग्राम रील्स बनाएंगे और फिर यहाँ से आगे निकलेंगे और आपको अपने साथ लेके चलेंगे। बने रहिएगा दोस्तों। धुवरन बीच पहुंच चुके हैं। धुवरन बीच में एंट्री करने से पहले आपको ऊपर वाले की परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ माता जी का ये विशालकाय मंदिर बनाया हुआ है, बहुत ही भव्य मंदिर है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं था कि मैं फोटोग्राफी करके यू नो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ूं। तो माता जी के दर्शन बहुत अच्छे से किए और यहाँ पे हम धुवरन बीच साइड में हम पहुँच गए हैं। और मज़े की बात, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये है पांच पांडव महादेव के। द ब्यूटी ऑफ दिस इज दैट कि ये जब हाई टाइड होता है तो इट गेट्स टोटली सबमर्ज्ड इन वाटर। ये जो है, ये पूरे के पूरे जो शिवलिंग है ये पूरा पानी में डूब जाते हैं, और उसके बाद जब लो टाइड आता है तो देन दे रीअपियर अगेन। दे मतलब जिसको बोलते हैं ना, प्रकट वापस से होते हैं। तो अभी लो टाइड है फॉर्चुनेटली, तो यहाँ पे इनके भी दर्शन हो गए। और ये विशाल का है धुवरन बीच, आप मेरे पीछे देख ही सकते हो। तो काफ़ी यार शांत जगह है, काफ़ी पीसफुल है, मन को बहुत शांति मिल रही है और डिवाइन जो बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी भी मिल रही है। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी ग्रेट ट्रिप। अभी देखते हैं यहाँ से कहाँ जाएंगे, लेकिन दैट्स अबाउट इट। यहाँ पे थोड़ा सा दर्शन करते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म पे ध्यान देते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर आपसे बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों एक मतलब घूमना तो और भी था, आपको और भी कुछ दिखाना था, पर एक बेचारी अनहोनी दुर्घटना हो गई मेरी बड़की लड़की के साथ। वो भी एक नहीं, दो बार। पहली बार तो वो पिछवाड़े के बल पिसल के गिर गई, और दूसरी बार तो साष्टांग एकदम मतलब दंडवत प्रणाम करते हुए गिर गई बेचारी। और उसने अपना ऐसा हाथ ये देखो मोड़ लिया है शायद, और मेरी छुटकी को भी घर जाना है ना, और छुटकी को भी बेचारी का मूड अच्छा नहीं हो रहा। तो अब हम यहाँ पे वापस वडोदरा साइड आ गए, क्योंकि एक्चुअली यार उसको तो चोट लग गई और छोटी वाली भी इरिटेट करने लग गई। तो फिर हम लोग यहाँ पे तापी रेस्टोरेंट आए हुए हैं, यहाँ पे अब लंच करके फिर निकलेंगे। तो ये वाला जो है, एक मिनट, ये वाला जो ट्रिप है ये थोड़ा कट शॉर्ट करना पड़ेगा, और नए ट्रिप में जल्दी ही हम लोग निकलेंगे। प्लान कर रहे हैं कुछ और भी कुछ प्लान करेंगे। तो अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरी लड़की को भी थोड़ा सा है ना कंसोलेशन दे दीजिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। बेचारी को बहुत चोट लग गई, थोड़ी सी ज़्यादा लग गई एक्चुअली। तो मिलते हैं फिर वापस किसी एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हंग्री, स्टे ब्लेस्ड, बिलीव इन योर सेल्फ गाइज, बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुआ में याद रखना। अंकुर सा साइनिंग ऑफ।